अरे छोटू छोटू, मेरी एक हेल्प कर देगा तू? हाँ जी बोलो। मुझे ना 1000 रुपए की जरूरत है, मुझे गाड़ी वाले को देने हैं। मैं अपना पर्स घर पे भूला आया हूँ। 1000 रुपए? देख लो छोटू, अगर पड़े हो तो। यहाँ कोई आसपास है नहीं, वरना मैं किसी और से मांग लेता। देख लो छोटू, थोड़ी सी मजबूरी है, मेरा घर पास में ही है, मैं कल पक्का वापस कर जाऊंगा। अच्छा भैया चलो आप ले लो, लेकिन मुझे कल पक्का वापस कर जाना, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। अरे छोटू आप बिल्कुल टेंशन मत लो, मेरा घर पास में ही है, मैं अभी आया थोड़ी सी देर में, ठीक है? हाँ यार कल पार्टी करने में बहुत मजा आया। हाँ ये वाली बात तो तू सही कह रहा है यार, बिल्कुल। अरे भैया चलो मैं बाद में बात करता हूँ तुमसे, ठीक है? हाँ छोटू बोलो। भैया वो आप मुझसे सुबह 1000 रुपए ले गए थे, वो आपने वापस नहीं किए। हाँ वो तुम्हारे 1000 रुपए ऐसा था ना, वो यार मेरे दिमाग से निकल गई। मैं सुबह अपने घर चला गया था ना, तो जाते ही यार मैं अपनी दोस्त की पार्टी में चला गया था। कोई बात नहीं भैया, लाओ अब दे दो वापस। अभी अभी कहाँ से लाऊं पैसे, अभी तो है नहीं है मेरे पास पैसे। आप एक काम करना, कल ले लेना अपने पैसे, ठीक है? कल नहीं भैया, मुझे अभी चाहिए, मुझे मकान का किराया देना है। अरे नहीं है मेरे पास अभी पैसे, अभी मैं पैसे कहाँ से लेकर आऊँ? मानता हूँ तुमने मेरी हेल्प करी, मेरे पास आ जाएंगे पैसे तो मैं तुम्हें वापस कर दूंगा, मुझे 1-2 दिन का टाइम तो दो। चलो ठीक है भैया, पर जल्दी कोशिश करना। चलो ठीक है ठीक है। अब मिल रहे हैं तुझे पैसे। दीपक, ओ दीपक चल बारा। हाँ मालिक। परसों तूने क्या कहा कि कल दे दूंगा किराया, तुझे पागल बनाते बनाते 3 दिन हो गए, कब देगा किराया भाई? मालिक दे दूंगा, कल तक की मोहलत और दे दो। तेरा बहुत कल कल हो रहा है, मुझे पागल समझ रहा है तू, चल अभी घर खाली कर। नहीं नहीं मालिक ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कल पक्का आपका किराया दे दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे मकान खाली चाहिए, वरना सारा सामान उठाकर रोड पे फेंक दूंगा। मालिक मालिक। अरे छोटू ये ले अपने घर की चाबी। चाबी ये तुम्हारे पास कहाँ से आई? ये चाबी मैं तुम्हारे मकान मालिक से लेकर आया हूँ, जब वो तुमको घर से निकाल रहे थे ना मैं वहीं पे खड़ा था। परसों तूने क्या कहा कि कल दे दूंगा किराया, तुझे पागल बनाते बनाते 3 दिन हो गए, कब देगा किराया भाई? मालिक दे दूंगा, कल तक की मोहलत और दे दो। तेरा बहुत कल कल हो रहा है, मुझे पागल समझ रहा है तू, चल अभी घर खाली कर। नहीं नहीं मालिक ऐसा मत करो, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं कल पक्का आपका किराया दे दूंगा। बस बहुत हो गया तेरा ड्रामा, 1 घंटे के अंदर अंदर मुझे मकान खाली चाहिए, वरना सारा सामान उठाकर रोड पे फेंक दूंगा। अरे भैया। हाँ भैया, ये छोटा सा लड़का जो झाड़ू लगाता है ये आपके मकान में रहता है? हाँ रहता है भैया, पिछले 4 दिन से पागल बना रहा है वो मुझे। 1000 रुपए किराया है मकान का, वो भी नहीं दे रहा मुझे, इसलिए मैंने अपने घर से निकाल दिया उसे। अच्छा भैया चलो कोई बात नहीं, इसके पैसे मैं दे देता हूँ आपको, ये लो मुझे मकान की चाबी दे दो। हाँ वो तो ठीक है, पर तुम क्यों दे रहे हो उस लड़के के पैसे, वो कौन तुम? मैं उसका फ्रेंड हूँ भैया, लाओ चाबी दे दो मुझे। अच्छा अरे मुझे क्या करना, मुझे तो अपने किराए से मतलब था, ये लो चाबी। चलो ठीक है भैया। छोटू मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया, मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मैं तुम्हें पैसे देना नहीं चाहता था, यहाँ तक कि तुमने मेरी कितनी बड़ी हेल्प करी उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा था। छोटू हो सके तो मुझे माफ कर देना प्लीज। कोई बात नहीं भैया, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। और हाँ भैया, आपने मुझे मेरे घर से बेघर होने से बचा लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे छोटू तुम क्यों धन्यवाद बोल रहे हो, गलती तो सारी मेरी है, तुम्हें तो अपने मकान का किराया देना था और मैं तुम्हें बेवकूफ बनाता रहा, ये लो अपने घर की चाबी। और हाँ
ये लो अपने 1000 रुपए जो मैंने तुमसे लिए थे। अरे भैया आप ये 1000 रुपए क्यों दे रहे हो, आपने मकान मालिक को दे दिए, हिसाब बराबर हो गया। अरे कोई बात नहीं छोटू, रख लो अपना बड़ा भाई समझ के। धन्यवाद भैया। अरे कोई बात नहीं छोटू, चलो फिर मैं निकलता हूँ।